नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो है अगर आप जितने लोग स्मार्टफोन चलाते हैं उन लोग के लिए वीडियो है। तो दोस्तों, दो सेटिंग हम बताने वाले हैं जो कि आप अपने मोबाइल में हमेशा चेक करते रहने का। तो दोस्तों, आपके पास मोबाइल है, अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई कॉल फॉरवर्ड कर रहा है या मैसेज कोई फॉरवर्ड कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास मोबाइल है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा डायल पैड पे। डायल पैड पे जैसे आएंगे, यहाँ पर डायल करेंगे आप *#21#। अब इतना डायल करें, और जैसे आप जिस सिम में आप चेक करना चाहते हैं, मतलब मेरा सिम किसी और नंबर पे कॉल ट्रांसफर तो नहीं हुआ, मैसेज ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हमने वन पे सेलेक्ट किया। वन पे जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम कार्ड, तो दोस्तों हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अभी थोड़ा देर बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर लिखा है, सब पे नॉट फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको लिखा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो अगर यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड है चाहे कुछ भी ऐड है, तो समझ लीजिए आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप सुन सकते हैं यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, डेटा नॉट फॉरवर्डेड, फैक्स नॉट फॉरवर्डेड, एसएमएस नॉट फॉरवर्डेड, सिंक नॉट फॉरवर्डेड, एसिंक नॉट फॉरवर्डेड, पैकेट नॉट फॉरवर्डेड, टैग नॉट फॉरवर्डेड। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके भी मोबाइल में रहना चाहिए। तो दोस्तों आप बार बार क्या करते हैं, दूसरा जो मेरा सेटिंग है, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आपका जैसे ईमेल मांगता है तो ईमेल आपको, आप उसे ईमेल दे देते हैं, तो आपका वो क्या एक्सेस ले लेता है, मतलब आपका मतलब जीमेल में एक्सेस ले लेता है, कभी भी आपके मोबाइल में घुस सकता है। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, मतलब कौन सा ऐप हम कौन सा ऐप को ईमेल दिए हुए हैं, जीमेल को दिए हुए हैं, कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आ जाना है जीमेल पे। जीमेल पे जैसे ही जीमेल आईडी आपका खुल जाएगा, वैसे ही आप लोगो पे टच करेंगे। लोगो पे जैसे टच करेंगे, वैसे ही आप यहाँ पर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। जैसे गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और आप आएंगे हाई सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पे। जैसे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पे आए, आप स्क्रोल करके नीचे आएंगे। जैसे आप एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सेस में इसको दिया हूँ, बीडीआईक्यू पे हमने एक्सेस दिए हुए हैं। ऐसे जैसे टच करेंगे, वैसे आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा आप कितने ऐप को परमिशन दिए हुए हैं। जिस भी ऐप को आप परमिशन दिए हुए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे एक्सप्लोजर है, तो इसको हमने परमिशन दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव वाला ऑप्शन है, आप यहां से रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप जिस भी ऐप को परमिशन दिए, उस ऐप को आप यहां से हटा सकते हैं।